हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे भी आए होगा, सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वह सुबह हो चुकी है, धूप खिली है, सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी सुबह यहाँ पे, और अभी तो धूप खिली है, लगता है कि दोपहर को भी बारिश हो जाएगी। खैर गाइस, सो देर हाथ मुँह धोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना खुना खाते हैं और उसके बाद करेंगे हम अपने दिन की शुरुआत। फिलहाल गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी आया हूँ मैं खेत में। आज मैं लगा रहा हूँ भिंडी। ये रहे गाइस भिंडी के बीज, और इनको मैं जो हूँ खेतों में लगा रहा हूँ, देखते हैं गाइस लगते हैं या नहीं। वैसे तो हम भिंडी के बीज लगाने में लेट हो चुके हैं, पर खैर गाइस सब भी शायद मुझे लगता है हो जाएंगे। तो गाइस लगाते हैं अभी भिंडी के बीज। गाइस अभी भिंडी में खेत में बीज आया हूँ, अभी मैं वापस रूम में आ गया हूँ। अभी थोड़ी रेस्ट करते हैं और फिर चलते हैं ऊपर काम करने। और मेरी वाइफ का जो है बिग बॉस लग चुका है, आपने किसी ने बताया नहीं अभी तक कि बिग बॉस को कैसे देखना बंद कर सकते हैं। खैर गाइस अभी चलते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने और फिर चलेंगे ऊपर। आ चुका हूँ मैं ऊपर काम करने, थोड़ी देर काम करेंगे फिर जाएंगे लंच करने नीचे। और मम्मी गई है हॉस्पिटल मंडी के लिए, वहाँ पर कोई बीमार हुए हैं उनसे मिलने, तो अभी मैं और मेरी वाइफ घर में हैं। तो भाई चलो थोड़ी देर काम करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस एक बज चुका है, लंच टाइम हो चुका है, तो अभी चलते हैं खाना खाने नीचे। मेरी वाइफ ही नीचे होगी, शायद बिग बॉस देख के थक चुकी होगी, तो जाएंगे नीचे, उसको तंग करेंगे, खाना खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे या थोड़ी देर आराम करेंगे फिर आएंगे ऊपर। गाइस लंच हो चुका था और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया, और अभी जो है मैं उठा हूँ, मौसम थोड़ा ख़राब जैसे होने लगा है, मुझे लगता है थोड़ी बारिश हो सकती है। खैर गाइस चलते हैं ऊपर थोड़े काम करने। गाइस 6 बज चुके हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो चुका है। तो थोड़ी देर पहले बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, परंतु बारिश नहीं हुई, अभी तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, शायद ही रात को बारिश होगी। खैर गाइस अभी नीचे जाते हैं और चाय पीते हैं। चाय हमने पी ली है और अभी मैं और मेरी वाइफ आए इवनिंग वॉक पे यहाँ गाँव में, विलेज में, और हमको पेड़ में आम दिखे थे, छोटे छोटे आम, और बहुत ही ज़्यादा खट्टे मीठे होंगे ये, अभी धोएंगे पहले इनको और फिर खाएंगे। मैं पेड़ पे चढ़ गया था तो क्लिप वीडियो नहीं बना पाया। खैर गाइस धोते हैं आमों को और फिर खाते हैं इनको बैठ के। बावड़ी में आया था आम को धोने के लिए, पर बुरी बात यह है कि बावड़ी में पानी नहीं है, अब इनको हम घर जाके ही खाएंगे। मेरी वाइफ तो बिना धोए खा रही है इसको बड़ी ही आम खाने की लगी हुई है। खैर गाइस थोड़ी देर यहाँ पर घूम लेते हैं और फिर जाएंगे घर, और घर में जाके खाएंगे इनको धो के अच्छे से। ऐसा कुछ व्यू है मेरे गाँव से, मेरे घर से, और यहाँ से जाते हैं पंडोसी मंडी इस ग्राउंड से आगे, और ये वाला रोड है आपका मनाली कुल्लू के लिए, कुल्लू मनाली के लिए है। और बहुत ही फार्म खाती हुई, पानी नहीं था तो दुपट्टे से ही साफ़ करती हुई इसको। तो बताइए आपको कैसा लग रहा आम खा के, कैसे आम है, खट्टा मीठा, कैसा खट्टा मीठा? तो भाई इसे बहुत ही ज़्यादा खट्टा मीठा लग रहा है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद चलेंगे घर। हाँ, तो चाचा जी ने हमको आराम दे दिए हैं थोड़ी सी सब्जी बनाने के लिए और थोड़े से पक्के भी इसमें खाने के लिए, और मेरे को रास्ते में ये मिला मोरपंख, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। गाइस अभी चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस खाने से मन नहीं रहे हम, क्या पता कल बीमार हो जाए तो ब्लॉग नहीं आएगा फिर, अगर बीमार हो गए तो। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस खाने का, आप देख सकते हैं छोटे छोटे होते हैं खट्टे मीठे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अगर बीमार हो गए तो क्या हुआ? यस, यही तो हम सुनना चाहते थे आपके मुंह से। यस। आप देख सकते हैं कितने सारे आम दिए हैं, और ये लोकल है गांव के, और छोटे आम होते हैं ये खट्टे मीठे, और चाचा जी ने हमको दिए हैं खाने को, और थोड़ी से अंदर भी रखे मैंने सब्जी बनाने के लिए, और इनको बहुत खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और बचपन में हमने बहुत ज़्यादा आम खाए थे। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए जो भी मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को फटाक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। अब मिलते हैं कल वाले व्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।